स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफर्टलेस फिजिक्स। माय नेम इज मोनिका अग्रवाल और आज हम करने जा रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दैट इज ईएमआई चैप्टर कर रहे थे, तो ये उसका एक सेक्शन है। सच बोलूं तो ये डेरिवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये सेम डेरिवेशन है, बट वहां पे वर्क के टर्म्स में बोला था, यहाँ पे एनर्जी के टर्म्स में बोला। हालांकि मैंने करा है, इसके पहले वाला वीडियो देखोगे तो उसमें यही डेरिवेशन करा है, बट वापस आपकी बुक में दिया है, इसलिए मैं एक बार और आपको थोड़े अलग फॉर्मेट में हल्का सा डिफरेंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ क्या लिखा है, द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ कॉइल कॉजेज एन इंड्यूस ईएमएफ। पता ही है ना भाई हमको कि जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है ये क्या करता है, ये उस चेंज को अपोज करता है। सो नाउ इट इज अपोजिंग, तो हमको उसको ओवरकम करना पड़ेगा ना, बिकॉज कोई चीज अपोज कर रही है, मतलब वी हैव टू स्पेंड देयर एनर्जी बिकॉज वी वॉन्ट द करंट शुड फ्लो इन दिस सर्किट इज आई। तो हम चाहते हैं आई करंट फ्लो हो, लेकिन वो उसको अपोज कर रहा है, देन वी हैव टू पुश आवर सेल्फ, वी हैव टू डू सर्टेन वर्क एंड दैट वर्क गेट स्टोर्ड इन साइड इट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। सो नाउ we will estimate the energy spent to build up a current I in a circuit having inductance L. तो हमने जो work किया है वो हम निकालने जा रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही कर रही हूँ same। तो किसी time t पे जो work हम लगा रहे हैं, so dW is E I into dt, बिल्कुल वही है, कुछ भी फर्क नहीं है। तो E की जगह मैं substitute करती हूँ minus L dI by dt, so dW is minus L di by dt, और यहाँ पे ये i dt भी आ गया, ये dt dt कट गए, so dw is minus l di into i, हमको total work निकालना है, so we will integrate, तो हमको मिलेगा l बाहर आ गया, ये हो गया i square by 2, कहाँ से कहाँ तक limits भी वही है 0 to i, so work done वही आ जाएगा हमारा l i square by 2। यही जो वर्क किया है यही स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो दिस इज एल आई स्क्वायर बाय 2, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द मैग्नेटिक एनर्जी। तो इसके मैंने सफिक्स में यू बी लिखा है। अगर आप थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने एनर्जी के लिए लिखा था सी वी स्क्वायर बाय 2, ये बिल्कुल उसी के जैसा है एल आई स्क्वायर बाय 2, सो दीज बोथ आर एनालॉगस टू ईच अदर। एक और चीज मैं आपको बताती हूं, अगर हम लोग निकालने जाएं मैग्नेटिक एनर्जी, मैं यू बी लिख देती हूं, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, तो इसका आएगा बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। अगर हम निकालने जाएं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो वो आ जाता है ई स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। मतलब ये सब कैसे है, एक दूसरे से रिलेशन में है। इसको अपन एनर्जी डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। इसके ऊपर ना आपको एमसीक्यू मिल सकता है, इसके लिए मैंने आपको ये बताया है, या कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि एनर्जी डेंसिटी बताओ, तो आपको यहां तक प्रूफ करना है पूरा। उसके बाद हम ऐसे लिख सकते हैं यू बी इज एनालॉगस टू यू ई, सो देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, सिंस एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, सो बाय एनालॉगस वी कैन से दिस। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।